देखेंगे। बच्चों 1 मिनट के लिए रुकिएगा, ठीक है? 1 मिनट। बच्चों इतने आप आसपास अपने आसपास त्रिभुजाकार आकृति देखो और उदाहरण दो। आप अपने आसपास कोई चीज ऐसी है जो त्रिभुज की शेप में देख पा रहे हो? चैट बॉक्स में उदाहरण लिखो। सर 1 मिनट के लिए रुकेंगे, ठीक है? प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए, अभी आप क्लासेस चलेंगी। 1 मिनट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, एक सेकेंड। हाँ तो बच्चों मैं ये बोला था कि क्या आपने बंद आकृति और खुली आकृति पढ़ी है? बंद आकृति और खुली आकृति क्या बच्चों आपने पढ़ी है? सही बच्चे बताएंगे, क्या आपने बंद आकृति और खुली आकृति पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? यस, ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये स्क्रीन मेरी दिख रही है, जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है? अब दिख रहा है? ओके ओके ठीक है बच्चों। चलो तो होता क्या है ना कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये है क्या? यहाँ पे इस चित्र को देखिए, सभी लोग चित्र को देखिए, और इस चित्र में है ना, इस चित्र में बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये बंद आकृति है या खुली आकृति है। अगर ये बंद है तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, और अगर ये खुला हुआ है तो एन टाइप करेंगे। बस मेरा इतना सवाल है,
कि अगर ये बंद आकृति है तो आई टाइप करेंगे, और अगर ये खुली आकृति है तो एन टाइप करेंगे। बस इतना बताइए सर। ओके ओके ठीक है, बच्चों ने उत्तर दिया होगा कि ये बंद आकृति है, ठीक है अब समझते हैं। तो बच्चों त्रिभुज का परिभाषा ये है कि यह तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, ठीक है बच्चों, या तीन भुजाओं से घिरी हुई क्या होती है, एक बंद आकृति। आप देखिए ये मान लीजिए एक पहली भुजा, फिर मैंने यह बना दिया ये दूसरी भुजा, और अब जाके मैंने ये बनाया तीसरी भुजा, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये समझ गए कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी और यह बंद आकृति होगी, अतः यह कौन सी चीज कहलाएगी, तो इसको बोलेंगे त्रिभुज। और त्रिभुज को बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोले हैं ट्रायंगल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को यहां तक समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आया वो एन टाइप करेंगे ताकि मैं फिर से समझा सकूं। जिन बच्चों को आ गया ठीक है वो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने उत्तर दिया, वेरी गुड। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बच्चों यहां पे मान लेते हैं ये आपकी पहली आकृति है ना, लाल कलर की ये पहली आकृति है, तो आप लोग सब लोग ये बताएंगे कि क्या ये त्रिभुज है। हाँ यहां भी सब लोग उत्तर देंगे, तो हाँ के लिए वाई टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में, और ना के लिए एन टाइप करेंगे, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर ये त्रिभुज है तो आप लोगों ने वाई टाइप किया या हाँ बोला है, ठीक है। क्यों त्रिभुज है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आखिर ये त्रिभुज क्यों है इसके बारे में जैसा देख लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिएगा ये त्रिभुज क्यों है उसका रीजन समझिए, उसका कारण समझिए। यहाँ पे देखिए एक लाइन इस तरीके से है, या एक भुजा इस तरीके से, ठीक है, एक भुजा इस तरीके से इधर और एक इधर, यानी कि टोटल कितने भुजाएं यहां पे आप लोग देख रहे हैं। सही बच्चे इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में, है ना, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे कि इस वाली आकृति में आपको कितने, है ना, कितने रेखाएं या कितनी भुजाएं दिख रही है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, रॉबिन मिश्रा का उत्तर आ गया, जितेंद्र कुमार वेरी गुड, और भी कई सारे बच्चे आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो तीन है ना, तीन है इसका उत्तर। तो और ये भी देखिए कि ये क्या है, एक बंद आकृति है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं ये क्या है, एक बंद आकृति है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह एक त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने एस लिखा था यानी वाई लिखा था उनका ये सही है। इसी प्रकार अब मैं इस वाले फिगर में, इस वाले चित्र में पूछता हूं, इस दूसरे वाले चित्र के लिए आप बताएंगे कि त्रिभुज है या नहीं है। चलिए सही भाई कमेंट सेक्शन में उत्तर करिए इसका, सही भाई कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। अगर ये त्रिभुज है ना, ये जो दूसरा वाला चित्र है, ठीक है बच्चों, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर ये त्रिभुज है तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चों ने बच्चों बस एक मिनट रुको, सर की स्क्रीन आपको अभी शो होगी। तब तक सारे बच्चे त्रिभुज की परिभाषाएं लिखेंगे, त्रिभुज क्या होती है।
सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस ओके सर। ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। क्या अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो नो सर। सर। मैंने बताया सर पढ़ाई तो बहुत अच्छा अच्छी वही हो वही रही थी, स्क्रीन चली गई वही, अचानक। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ओके सर। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, एक मिनट। सर आई कांट हेयर यू। सभी बच्चे एक मिनट वेट करेंगे, एक मिनट बाद आपको दिखने लगी स्क्रीन। सभी बच्चे वेट करेंगे एक मिनट। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, तब तक सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। सभी बच्चे बताएंगे तब तक चैट बॉक्स में त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज की कितनी शीर्ष होती हैं, त्रिभुज की कितनी वर्टेक्स होती हैं। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, सारे सारे बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं सारे सारे बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज की कितनी शीट्स होती हैं। तीन होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सारे सारे बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज कितने कोण से घिरी होती है, त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं। हाँ इसी प्रकार त्रिभुज के तीन कोण होती हैं, ठीक है। सारे बच्चे ये तीनों पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तब तक सर अपना स्क्रीन दिखाएंगे। सारे बच्चे तीनों पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। नहीं राकेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। सभी बच्चे तीन पॉइंट को नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होती हैं और तीन कोण होते हैं। सारे सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे जल्दी से जल्दी करेंगे। सभी आप अच्छा रफ कॉपी में नोट कर लो। और चलिए सारे सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे जैसा कि आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि कोणों के प्रकार। सभी सभी बच्चे बताएंगे कि कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं, मतलब कौन से कोण न्यून कोण होते हैं, कौन से कोण अधिक कोण होते हैं, कौन से कोण सम कोण होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि न्यून कोण क्या कहलाते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हाट इज एक्यूट एंगल। ओके बहुत बच्चे बता रहे हैं कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो क्या कहलाते हैं,
एक्यूट एंगल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, सभी बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे। क्या सारे बच्चों को ये स्क्रीन दिख रही है? सारे बच्चे बताएंगे क्या स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? सर ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों? थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए ये जो है ना, ऊपर आप जो देख रहे हैं ये चिप्स का पैकेट है ना। चिप्स है, ऊपर देख सकते हैं आप, जो डेली लाइफ में आप खाते होंगे। नीचे ब्रेड बना हुआ है और एक पार्क है ना, एक पार्क है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब के सब क्या बना रहे हैं? सब बच्चे इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये कौन सी आकृति है, त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, क्या है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, सभी बच्चे इसको चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या कि ये क्या है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इसको लिखेंगे क्या कि ये क्या है। ठीक है, सही बच्चे इसका उत्तर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सब लोग इसको ठीक है त्रिभुज बोल रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब एक बात रही बच्चों। ये जो आपकी स्क्रीन पे ये जो आकृति दिख रही है ना ऑरेंज कलर में, ये क्या है? ये भी त्रिभुज है या नहीं? अगर है तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बच्चों का उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप ऐसे देखिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष क्या होते हैं सब लोग अब समझेंगे। शीर्ष क्या होते हैं? ये जो आप एक लिखा हुआ देख रहे हैं, देखिए एक है, फिर दो लिखा हुआ है, फिर तीन लिखा हुआ है, दिखा सबको? ठीक है, तो ये शीर्ष कहलाते हैं त्रिभुज के। कहने का मतलब ये है, त्रिभुज के कोनों को ही हम लोग शीर्ष कहते हैं। जो कोना नहीं है, कोना एकदम किनारे की तरफ, उसको ही हम लोग बोलते हैं शीर्ष। तो सभी बच्चे गिन कर बताएंगे कि इस चित्र में कितने कोने हैं या इस चित्र में कितने शीर्ष हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे, सही बच्चे चैट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो तीन शीर्ष दिख रहे हैं, तो शीर्ष कैसे पहचानेंगे हम लोग बच्चों? तो बच्चों हम लोग शीर्ष ऐसे पहचानेंगे कि कितने कोने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कोना है, एक, फिर दूसरा दो, और तीसरा तीन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे तीन कोने है। ठीक है, तो आज के लिए, आज की क्लास में अगर कोई किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और कल से हम लोग इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अगर कुछ भी डाउट है तो कल से है ना हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज आज का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कल से हम लोग की क्लास एकदम अच्छे से होगी, है ना। और हाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपकी क्लास है वो कब कब होती है? तो ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चे आप जा सकते हैं, इस क्लास को लीव कर सकते हैं। और जिस ओके क्लास, सर। ठीक है, और जो भी बच्चे कुछ भी पूछना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो यहीं पे रुकेंगे। कोई भी उनका डाउट होगा तो वो रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है कि कल क्लास होगी कि नहीं। नहीं बच्चे, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, जो क्लास होगी वो आपकी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, सही बच्चे, ठीक है, जा सकते हैं। जिनको कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी रिवीजन क्लास है ना, तो इसमें हर एक चीज कवर होगा। ठीक है, हर एक चीज जो बच्चा ये पूछ रहा है ना, ये क्लास यहाँ सर पे, हाँ ओनली मैथ ही होगा। हाँ बच्चा, ये इसमें मैथ ही होगा। अभी तो मैथ ही हो रहा है। ठीक है, जब अगर मान लीजिए एग्जाम साइंस हो नहीं जाए होगा। जी, फिर से बोलिए। सर
सर साइंस की रिवाइज नहीं होगी? जी नहीं बच्चे, ये साइंस की क्लास नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है? अभी के लिए मैथ्स होगी, ठीक है? जब साइंस की होगी तो आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके जी। सर क्या आप सिर्फ अवंती के चैप्टर्स करवाएंगे या फिर आप मैं सर एनसीईआरटी बुक का भी करवाओगे? देखिए बच्चे, हम लोग की एनसीईआरटी जो है ना, इसी में कवर हो जाती है। जो हम लोग अवंती की वर्कबुक लगाते हैं, है ना, या थियोरी पढ़ते हैं, इसी में कवर हो जाती है, ठीक है? हम लोग ये, हाँ, तो हम लोग इसी में ये कवर कर लेंगे टॉपिक, ठीक है? ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। जिन बच्चों का कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? जिन बच्चों का कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं, नहीं तो सारे बच्चे जा सकते हैं। लालू बाबू हेलो हेलो हेलो